गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फिट एंड फाइन एट होम। कल हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था चैप्टर 2 का ग्रोथ वृक्ष का तीन पैराग्राफ पढ़ाया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इस तरफ इस वाले पेज से देख लीजिए, शुरू करते हैं। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्रागतः। क्या हुआ था स्टोरी में? कुछ एक कौवा अपने उसके लिए शोर कर रहा था कि इस वृक्ष ये वृक्ष मेरा है ना, ऐसा। फिर कई सारे सांप आया और कई सारे जीव जंतु वहाँ पर आए और सब ने कहा मैं इसमें रहता हूँ तो ये वृक्ष मेरा है, अपना अपना अधिकार जताने लगे, है ना। इसके आगे फिर क्या होता है हम देखते हैं। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्रागतः। इसके पश्चात, अत्रांतर मतलब उसके पश्चात, कोई बकरी का बच्चा वहाँ पर आ गया। सोपि तस्य पतरोः पत्राणि खादन् नन्दति स्म। सो अपि, वो भी वहाँ पर उस वृक्ष के पत्तों को खाकर प्रसन्न हो रहा था, मतलब वह बच्चा भी उस वृक्ष के पत्तों को खा रहा था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयम कर्तुम तम प्रार्थयन्ति। उसको देख, तम दृष्ट्वा, किसको देखकर? बकरी के बच्चे को देखकर, उसे देखकर बाकी सभी प्राणियों ने न्याय के निर्णय के लिए प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्। सभी के वचनों को सुनकर वह बकरी का बच्चा बोला, अस्तु मया समेषां समस्या समाकीर्णा करणिता। मैंने तुम सभी की समस्या को ध्यानपूर्वक सुन लिया है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत। अब तुम सब मेरी बातों को सुनो। काश्चन शाखा काकेभ्य शाखांतरण कृमिकेटेभ्य मूलं सर्वेभ्य अनेन प्रकारेण सर्वेभ्येऽपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। क्या कहता है बकरी का बच्चा? किसी कौवे को काश्चान शाखा काकेभ्य, कुछ शाखाएं कौवे को, शाखांतरण और कुछ शाखाएं कीड़े मकोड़ों को, मूलम सर्वेभ्य मतलब मूल मतलब जड़, तो जड़ सभी को इस तरह तथा अन्य प्रकार से वृक्ष को सभी को दूंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्ष छेदिकः मे मित्रमस्ति। इसी गांव में मेरा एक मित्र लकड़ी काटने वाला है, वृक्ष छेद का मतलब पेड़ों को काटने वाला है। तम आयामि इमं वृक्षम खंडशः कर्तुमिति। मैं उसके पास जाकर उसे वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बुला लाता हूँ। अजस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृतः अतः सर्वेपि वृक्षच्छेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रोध वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानं वितरणार्थं प्रार्थनयन्त। अजस्य निर्णय, बकरी के बच्चे का निर्णय, बकरी के बच्चे का जो पुत्र था उसका निर्णय सभी को स्वीकार था, सबको अच्छा लगा उसका निर्णय। अतः सभी ने लकड़हारे या वृक्ष छेदक के पास जाकर न्यग्रोध वृक्षं छित्त्वा वट वृक्ष को काटने के लिए और उसके भागों के का वितरण करने के लिए उससे प्रार्थना की। परम स्वयं काष्ठ छेदकम अवत। लेकिन उस लकड़हारे ने बोला, पूर्वम अहम वृक्षान छिन्दिमस्म। पहले मैं उस वृक्षम स्वयं काष्ठ छेदक अवदत। पूर्वम अहम वृक्षान छिन्दितस्म। तब यह सुनकर लकड़हारे ने कहा, पहले मैं एक कार्य करता, वृक्षों को काटने का काम करता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि ना व्यापरयामि वृक्षाणां छेदनं महत् पापमिति। मया अधिगतमस्ति अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनं अहं न करिष्यामि। उस लकड़हारे ने क्या कहा कि पहले तो मैं वृक्षों को काटता था, अधुना तादृशे, आज मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही निंदित कर्म है, यह निंदित कर्म और यह व्यापार मैं नहीं करता। वृक्षाणाम छेदनम, वृक्ष को छेदना या वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप है, अतः उस वट वृक्ष का छेदन
अहम ना करे श्याम इति, मैं नहीं करूँगा उस वट वृक्ष को, मैं नहीं काटूँगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षम सेतुम यदा निर्बंधम अकुर्वन तदा सा धीमान इदहाम। तब सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने का उससे अनुबंध किया, उससे उससे मतलब उस वृक्ष को काटने की उससे बात की, तो उस बुद्धिमान ने कहा अस्तु तर्हि प्रथमं मे वच शृणुतु, पहले तुम लोग मेरी बात को सुनो। यूयम सर्वे अनेन वृक्षेण उपकृता, एव उस वृक्ष ने तुम सभी पर अनेक प्रकार से उपकृता मतलब उपकार किए हैं। वृक्षस्य उपकारस्य स्वीकारम स्वीकृत्यम, वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके। युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः, तुम सब ने उस वृक्ष के उपकार को तो स्वीकार कर लिया, पर बदले में उसको क्या दिया, बदले में उसका अपकार किया है या क्या दिया है उसको। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचने सेचनम अकरोत्, युष्माकं मध्ये तुम लोगों में से किसने उसे जल से सींचा है। कह तस्य रक्षणं वेतवान, किसने उसकी रक्षा की है। न कोऽपि किंचिदपि अकरोत्, तुम लोगों में से किसी ने कोई कुछ भी नहीं किया है। वरुण देव वृष्टिं वर्षति, वरुण देव ने जल वर्षा है, वर्षा की है तो वृक्ष पला है। सूर्यदेव ने अपना प्रकाश दिया है, सूर्यदेव प्रकाशं प्रयक्षति, सूर्यदेव ने अपना प्रकाश दिया है। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, भूमि ने उसको सहारा दिया है, धरती माता ने उसे सहारा दिया है। वायु अनिलं ददाति, वायु ने हवा दी है। ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, उन सभी ने ही उस वृक्ष को पाला पोसा और उसकी रक्षा की है। ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन, वो लोग तो अपना अधिकार उस पर कभी नहीं बताते हैं। ते सर्वे परोपकारिणः, वो सभी परोपकारी हैं। पर यूयम परम यूयम सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य साहाय्यं स्वीकृते तमेव नाशयितुं कृत संकल्पा यूयम स्वाश्रये नाशयथ। फिर क्या कहता है, परम यूयम पर तुम सभी दूसरों का अपकार करने वाले वृक्षस्य साहाय्यं स्वीकृतम, वृक्ष की सहायता ना करके सहायता को नहीं समझ रहे हो और उसको नष्ट करने के प्रति संकल्पित हो। यूयम स्वाश्रमेव नाशयतम, आश्रय तुम अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो, जिसने तुमको आश्रय दिया है उसे ही तुम नष्ट कर रहे हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यति, यदि तुम उस वृक्ष को छिन्न कर दोगे, नष्ट कर दोगे, तो तुम सब कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, तुम क्या करोगे, कुत्र गमिष्यति, तुम लोग कहाँ जाओगे। सर्वम मिदम श्रुत्वा पशुपक्षिणः आम सत्यम, सभी ने उसकी बातों को सुना उस लकड़हारे की और पशु पक्षियों ने कहा सही है, आम मतलब सही है, सत्यम तुम सही कह रहे हो। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्यम अधिकार्थम कोलाहलम कुर्मः, हम सभी अपने कर्तव्यों को भूलकर अपने अधिकार के लिए कोलाहल कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। वृक्ष प्रकृति दत्ता वर, वृक्ष कैसा वर है, कैसा वरदान है, प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। प्रकृति दत्ता वर मतलब प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान। स न कस्यापि एकस्य संपत भवति, वह कभी भी किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकता। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणम संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम, हम सभी को मिलकर उस वृक्ष का या किसी भी वृक्ष का संरक्षण संवर्धन मतलब उसको उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए और उसका रोपण करना चाहिए या वृक्ष लगाना चाहिए। न तो विनाश कार्य, और उसका विनाश कभी भी नहीं करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चय अकुर्वन, ऐसा दृढ़ निश्चय उन सभी ने किया। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष संपत्ति वर्धनीयम, हमें क्या करना चाहिए, उस वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ हम कल के वीडियो में या फिर अगले दिन भेज देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।